तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक तो हो गया, तो 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई कि 7 में जो है वो कह क्या रहा है। बेसिकली 7 में कहा है कि तीन सेठ दिया गया ए बी और सी, ठीक है। तीन सेठ दिया गया ए बी और सी 7 नंबर में, और वो जो मेरा सेट है, हाँ वो जो मेरा सेट है ए बी और सी और डी, 4 सेट है ए बी सी डी, ठीक है। और उसमें से हमको कुछ मांगा गया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना सेट पहले मैं लिख देता हूँ, कि जैसे कि मेरा सेट ए है, तो ये दिया गया है एक्स इज सच दैट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स जो है मेरा वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है इसका मतलब हुआ कि वो 1 2 3 4 यही तो रहेगा, लेकिन कहाँ तक नेचुरल नंबर है ये नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, कि वो नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 10 तक, 20 तक, 30 तक, 100 तक नहीं दिया गया है। तो हम इनफाइनाइट ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें तो इस सेट में तो मेरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से मेरा चलता जाएगा। फिर मेरा एक सेट बी है, और सेट बी में हाँ दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो मेरा नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो मेरा इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब कि वो तो 1 से स्टार्ट ही होगा, लेकिन 1 तो मेरा ऑड हो गया, इवन क्या हुआ, 2 हुआ, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इसी तरह से होगा, क्लियर। और सेट सी, सेट सी में हमको दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ये जो है ये मेरा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो मेरा ये है सेट उसका, तो इसमें से हम ऑड निकाल लेंगे, 1 3 5 7 इस तरह करके, ठीक है। ये मेरा निकल गया ऑड नेचुरल नंबर। इसके बाद जो मेरा सेट डी दिया गया है, वो सेट डी है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब कि जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, तो जो एक से भाग लगेगा वो भी होगा, और जो खुद से भाग लगेगा वो भी होगा। तो एक जो है वो मेरा खुद से भी लगता है, और खुद का खुद एक से भी लगता है, तो मेरा वो हो जाएगा एक। तो यानी कि सेट डी में मेरा जो है वो एक हो जाएगा। फिर टू भी देखिए एक से लगता है और खुद से लगता है, फिर थ्री भी होगा, ठीक है। फिर 5 होगा, 7 होगा, इसी तरह से 11 होगा, चलता ही जाएगा ये। तो इस तरह से मेरा जो है वो 4 सेट दिए गए हैं, कि 4 सेट हमको इस तरह से दे दिया गया है। और हमको जो मांगा गया है वो सबसे पहला दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, ठीक है। वो हमको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। तो इंटरसेक्शन का जो कंसेप्ट था वो क्या था, कि कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन का जो मेरा कंसेप्ट था वहाँ पर वो क्या था, मेरा कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी सेट में हमको कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। चलिए ढूंढिए, चलिए ढूंढ लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इस दोनों में मेरा कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो कॉमन देखिए यहाँ पर 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर 6 है, तो 5 का 6 आएगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी कि वो पूरा का पूरा वो सेट बी ही होगा। तो आप सेट भी लिख दीजिए, या नहीं तो इस तरह से लिख दीजिए ना, 2 4 6 8 इस तरह करके, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद सेकेंड नंबर, इसमें पूछा गया है हमको ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ए और सी में, ए में मेरा तो टोटल नंबर है, और सी में मेरा 1 3 5 7 ये है। तो इसमें तो केवल ऑड है, और इसमें तो इवन और ऑड दोनों ही है सेट ए में, तो इसमें तो इवन और ऑड दोनों ही हैं, और इसका ही इवन नंबर बी में है, और इसका ही ऑड नंबर यहाँ पर है। तो अब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो केवल और केवल ऑड, यानी कि 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। उत्तर से यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 भी होगा। तो यानी कि पूरा का पूरा वो सेट सी हो जाएगा। आप सेट सी लिखिए, या फिर 1 3 5 7 इस तरह करके लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि अगर किसी का भी सबसेट अगर होता है, इस तरह से था ना कि इफ कहाँ लिखो, हाँ यहाँ इधर लिखता हूँ, चलिए यहीं लिखता हूँ,
इस तरह से था कि अगर ए सबसेट होता है किसी भी सेट का, मान लीजिए बी का अगर ये सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट ए के इक्वल टू होगा, अगर ए मेरा सबसेट है बी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी सबसेट है ए का, यानी कि बी का सारा एलिमेंट मेरा ए में है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट भी आएगा। सी का एलिमेंट है मेरा सेट ए में, अगर इसका अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट मेरा केवल और केवल में सी आएगा। तो यहाँ से ये भी मेरा कंसेप्ट है, मैंने इसको थ्योरी पार्ट में खूब अच्छे से करा रखा है। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट में लिखा भी दिया है इसको, और इसको मैंने बोला था कि दिमाग में रखिएगा। तो इसके बाद जो पूछा गया है थर्ड नंबर, वो पूछा गया है ए इंटरसेक्शन डी, बहुत ही ईजी। ए और डी में क्या होगा कॉमन, तो 1-1 तो कॉमन है ही, 2-2 कॉमन है, 3-3 कॉमन है, फिर एक 4 नहीं होगा, फिर मेरा 5 कॉमन होगा, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके बाद जो है वो मेरा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। ये मेरा बन गया ए इंटरसेक्शन डी का। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में कौन सा कॉमन है। एक भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा इवन है, इसमें सारा का सारा ऑड है, एक को मिलेगा एलिमेंट क्या, नहीं मिलेगा। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें एक भी कॉमन नहीं होगा, ये 5 होगा। नेक्स्ट, इसके बाद पूछा गया है बी इंटरसेक्शन डी के बारे में, 5 नंबर में, बी इंटरसेक्शन डी के बारे में, बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी और डी में कॉमन। ठीक है, यानी कि बी और डी में कॉमन, तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, फिर अब 4 तो मेरा मिलने वाला है नहीं, तो एक 2 मिला, 4 मिला, मिलेगा नहीं, 6 वो होगा नहीं। ठीक है, फिर 8 जो है वो भी नहीं होगा, तो इसमें जो है केवल और केवल 2 ही रह जाएगा, सिंगलटन सेट, इसमें केवल और केवल जो है वो मेरा 2 ही रह जाने वाला है। फिर हमको नेक्स्ट पूछा है सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, 6 नंबर में पूछा है सी इंटरसेक्शन डी के बारे में, सी इंटरसेक्शन डी, तो इसमें क्या होगा कि सी और डी का मेरा कॉमन एलिमेंट, तो इसमें देखिए मेरा 1-1 कॉमन है, यानी कि 1 होगा, इसके बाद मेरा 3-3 कॉमन है, वो भी होगा, फिर मेरा 5 है वो भी होगा, 7 है वो भी होगा, 11 है वो भी होगा, यानी कि सारा का सारा इसमें जो है वो ऑड आ जाएगा, सी और डी में सारा का सारा जो है इसमें ऑड आ जाएगा। ये बन गया मेरा 6th नंबर का सेट, जिसमें कि सी और डी का इंटरसेक्शन पूछा था। ये रहा मेरा 7 नंबर, चलते हम 8 नंबर के और, तब तक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.